एमपी अजब है और सबसे गजब है। छतरपुर से निकलकर आई ये तस्वीरें इस कहावत को चरितार्थ कर रही हैं। यहाँ कोरोना मरीज तक पहुंचने के लिए पुलिस को करीब 10 फीट ऊंची दीवार को फांदना पड़ा है। दरअसल ये पूरा मामला शहर के सिंधी कॉलोनी का बताया जा रहा है। यहाँ एक कोरोना पॉजिटिव शख्स जानकारी छुपाकर अपने परिवार के साथ घर में ही बंद हो गया था। इसकी भनक लगते ही प्रशासन की टीम रात करीब 2 बजे उसके घर पर पहुंची और कोरोना पॉजिटिव मरीज को जिला अस्पताल में कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया। ये जो टीम थी सिंधी कॉलोनी गई हुई थी, जैसे मेरे साथ में सीएसपी साहब और डीएसपी ओरछा रोड के मेंबर थे, सभी ने जाके उन लोगों को बताया कि दिक्कत अकेले पॉजिटिव मरीजों को हॉस्पिटल भेजने के साथ साथ में दिक्कत ये भी आ रही है कि जो लोग सैंपल होने वो सैंपल देना नहीं चाहते। इसकी वजह ये है कि सैंपल होगा और सैंपल कहीं पॉजिटिव निकला है तो उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वो अपनी बीमारी छुपाने में ज़्यादा प्रयास कर रहे थे। पुलिस बल के साथ में सीएसपी साहब सभी लोगों ने मिलकर उनको बाहर निकलवाया, नौजवान को अंदर भेजा घर के अंदर, उनको घर से बाहर। वहीं छतरपुर जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद हामिद से बदमाशों ने 10 लाख की रंगदारी मांगी। वही रंगदारी नहीं देने पर नकाबपोशों ने उनके घर के बाहर ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाई है। ये कॉलोनी के घर के बाहर के लगे सीसीटीवी फुटेज है जहाँ कैमरे में फायरिंग की घटना कैद हुई है। इसमें साफ दिख रहा है दो बदमाश गली में फायरिंग कर रहे हैं और फिर उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। अब इस घटना की शिकायत हामिद ने पुलिस थाने में की है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानिसार नाम के लड़के का फोन आया था, उन्होंने उनसे 10 लाख रुपए की मांग की और पैसे ना देने पर सारे घर को गोली से मारने की धमकी दी, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और मेरे नए वाले घर पे 4 फायर किए उन लोगों ने और फिर वहाँ से वो लोग चले गए। इसमें आवेदक के द्वारा जब शिकायत की जाएगी तो विधि अनुसार जो FIR विभिन्न धाराओं में की जाती है वो होगी, पर मुख्य तौर पे जिन आरोपियों पे इल्ज़ाम था हवाई फायरिंग करने का, दोनों गिरफ्तार हो गए हैं और आगे विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी।